नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी बुबई और टेकचल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज दोस्तों मैं ट्रैक्शन वेब फॉर्म 12 के ऊपर एक एडवांस ट्यूटोरियल लाया हूं और ये एडवांस ट्यूटोरियल जूम इन जूम आउट के ऊपर है। जूम इन और जूम आउट एक ऐसा फीचर्स है दोस्तों, एक ऐसा सुविधा है जिसके मदद लेके आप अपना वर्क फ्लो को बहुत फास्ट बना सकते हैं और जो एक्यूरेसी है एडिटिंग का एक्यूरेसी उसको आप 100% कर सकते हैं। देखिए, किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए जूम इन एंड जूम आउट जो फंक्शनलिटीज़ है इसको प्रैक्टिस कर लेना, इसको जान लेना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि जूम इन जूम आउट हर एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप वेब फॉर्म में जूम इन जूम आउट को एकदम कैप्चर कर लेते हैं, ठीक तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं, दिमाग के अंदर बैठा लेते हैं दोस्तों, तो आपका जो वर्क फ्लो है वो बहुत फास्ट हो जाएगा और एडिटिंग का जो एक्यूरेसी है, छोटे छोटे चेंजेस, माइनर चेंजेस होने के लिए हमको किसी भी जगह को जूम इन करके दिखना पड़ता है वहाँ पर छोटा सा माइनर चेंजेस करने के लिए, तो वो आप ठीक तरीके से 100% एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। और मेरा डेस्कटॉप में वेब फॉर्म 12 का इंटरफेस खुला हुआ है और इसी के ऊपर आज हम देखेंगे इस ट्यूटोरियल को। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो थीम है इस थीम को आज चेंज करेंगे, थोड़ा सा एबल्टन वाला आपको लुक देते हैं। तो चलिए उससे हम वेलकम स्क्रीन में जाएंगे और ये जो कलर सीम है, इस कलर सीम में ये डार्क मोड में है अभी मैं ब्राइट मोड में चला जाऊँगा तो ये ब्राइट मोड हो गया है दोस्तों। अभी मैं यहाँ पर चलाऊँगा तो ये देखिए थोड़ा सा एबल्टन वाला लुक आ गया है दोस्तों, ये मुझे बहुत पसंद है। आप इस कलर भी चेंज कर सकते हैं, वो कुछ दूसरे दिन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, जो ट्रैक का कलर है जैसे ये ऑरेंज और ये रेड में है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, इसको लाइट कर सकते हैं, वो दिखने में और अच्छा लगता है। तो चलिए इस स्क्रीन के साथ आज हम इस ट्यूटोरियल को आगे लेके जाते हैं। तो देखिए ये जो ट्यूटोरियल है, इस ट्यूटोरियल के लिए दोस्तों मैंने दो सैंपल यूज़ किया हूँ साइमेटिक्स की तरफ से और ये दो सैंपल एकदम फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं साइमेटिक्स के वेबसाइट में जाकर। और साइमेटिक्स का जो सैंपल है वो बहुत ही प्रोफेशनल और एकदम बढ़िया सैंपल देते हैं वो लोग, फ्री में प्रोवाइड करवाता है, कोई भी पैसा चार्ज नहीं करवाता है वो लोग, बहुत ही अच्छा सैंपल है। मैं साइमेटिक्स का सब सैंपल डाउनलोड करके रखा हूँ, अब भी डाउनलोड कर लीजिए। तो इसको एक बार सुन लेते हैं, डब्लू दबा के पहले आ जाएंगे और इसको एक बार हम सुनेंगे, प्ले करते हैं। तो सुन लिया दोस्तों, दो सैंपल है। तो यहां पर देखिए दोस्तों ट्रैक है, ट्रैक वन, ट्रैक टू, ट्रैक थ्री, ट्रैक फोर, ऐसे ट्रैक है। तो इस ट्रैक को अगर हम जूम इन और जूम आउट करना चाहेंगे तो फर्स्ट जो स्टेप है दोस्तों वो है, देखिए दोनों जो ट्रैक है दोनों ट्रैक के बीच एक लाइन दिया हुआ है, एक ये वाला लाइन है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, इस लाइन हर ट्रैक के अंदर है। देखिए यहाँ पर भी एक ट्रैक है, लाइन है, यहाँ पर भी एक लाइन है, यहाँ पर भी एक लाइन है, मतलब दोनों ट्रैक के बीच में एक गैप रहता है। हम लोगों को क्या करना है, इसी गैप में माउस जो पॉइंटर है, माउस पॉइंटर को उसी गैप में लेके जाना है और माउस पॉइंटर को उसी गैप में लेके जाने के बाद ये माउस पॉइंटर देखिए दो एरो में कन्वर्ट हो जा रहा है, आप देख सकते हैं दो एरो में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा तो देखिए ये वाला ट्रैक, मतलब जिस ट्रैक के नीचे हम ड्रैग करेंगे वो ट्रैक छोटा या बड़ा होता है, मतलब जूम इन और जूम आउट होता है। अगर मैं नंबर वन ट्रैक को करूँगा तो ट्रैक टू के ऊपर जो लाइन है उस लाइन में आएंगे, डबल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद इसको हम ड्रैग करेंगे तो वो वाला जो ट्रैक है वो ट्रैक जूम इन और जूम आउट होता है। बहुत ही अच्छा फीचर्स है दोस्तों। अब अगर आप चाहते हैं कि जितना सारा ट्रैक है सब ट्रैक को आप एक साथ जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको कीबोर्ड से शिफ्ट को दबा के रखना है, शिफ्ट दबा के रखने से, और जब डबल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा तब अगर आप करेंगे तो देखिए एक साथ सब ट्रैक जूम इन एंड जूम आउट हो रहा है, सब ट्रैक, किसी भी एक ट्रैक को ये जूम इन जूम आउट नहीं कर रहा है, जितना सारा ट्रैक है सबको पकड़ के ये जूम इन जूम आउट कर रहा है। ये अगर आप कंट्रोल की दबा के भी करेंगे तो भी होगा, मतलब शिफ्ट और कंट्रोल अलग अलग दबाने से भी हो जाएगा, मतलब एक साथ शिफ्ट कंट्रोल दबाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो शिफ्ट दबा के ये ड्रैग कर सकते हैं, ये देखिए शिफ्ट दबा के या फिर कंट्रोल दबा के, देखिए एक ही काम है दोस्तों,
कुछ अलग नहीं है। तो ये गया पहला, ट्रैक को कैसे हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, वो है माउस व्हील के मदद लेके भी हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा ये जो कर्सर है, अभी जो थीम चेंज करने से ये कर्सर थोड़ा सा ग्रे कलर में हो गया। देखिए ये माउस पॉइंटर को फॉलो कर रहा है, ये देखिए ये हाथ का सिंबल जहाँ जा रहा है वो माउस जो ग्रे लाइन है वो लाइन फॉलो हो रहा है इससे। इसको बोला जाता है कर्सर। ये कर्सर जहाँ रहेगा वहाँ पर अगर आप माउस व्हील को घुमाएंगे तो देखिए ये जूम इन और जूम आउट होता है दोस्तों, बहुत ही आसान है देखिए। और ये माउस कर्सर को, माउस पॉइंटर को ये फॉलो करता है, माउस पॉइंटर जहाँ रहेगा उसी को सेंटर मान के ये जूम इन और जूम आउट करेगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर रखता हूँ, अब मैं इसको नीचे घुमाऊँगा नीचे की तरफ मतलब क्लॉकवाइज, तो ये जूम आउट होगा दोस्तों। अगर ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम आउट होगा दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है। ये ऑल्ट दबा के करने से भी हो जाता है दोस्तों, तो ऑल्ट दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। पियानो रोल में कैसे जूम इन जूम आउट होता है दोस्तों, वो हम दूसरे दिन पियानो रोल का जब ट्यूटोरियल सीखेंगे उस तब पियानो रोल में जाके जूम इन जूम आउट पियानो रोल में हम सीखेंगे एक साथ। तो ये गया एक ऑप्शन दोस्तों। अगर आप कीबोर्ड की मदद लेके मतलब जो कंप्यूटर या लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड होता है जहाँ पर ABCD लिखा हुआ रहता है, उस कीबोर्ड का मदद लेके अगर आप जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है इधर। अब देखिए माउस पॉइंटर को मैं यहाँ रख दिया यहाँ पर। अब मैं कीबोर्ड में अप एरो और डाउन एरो होता है दोस्तों, नेविगेशन की जिसको बोला जाता है, उसमें अगर आप डाउन को प्रेस करेंगे तो ये देखिए जो माउस जो पॉइंटर जहाँ रहेगा उस माउस पॉइंटर को सेंटर मान के ये जूम इन जूम आउट करेगा। आप एरो प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होता है दोस्तों, अगर आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये जूम इन होता है दोस्तों। तो चलिए मैं इसको माउस स्क्रॉल से भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पर 7 नंबर बार में आ गए हैं हम। अब चलिए 3 नंबर बार से इसको हम जूम इन जूम आउट करते हैं, ये देखिए जूम आउट हो गया है, ये देखिए 3 नंबर बार से ये जूम आउट हो रहा है दोस्तों, मतलब फॉलो कर रहा है माउस पॉइंटर को माउस कर्सर को। तो ये गया और एक पॉइंट। और एक बहुत ही अच्छा और सबसे बेहतरीन जूम इन जूम आउट का ऑप्शन मुझे लगता है वो आप देख लीजिए। ये देखिए ये जो प्लेहेड है, प्लेहेड क्या है दोस्तों, ये देखिए प्लेहेड मेरा अभी थीम चेंज करने से प्लेहेड का कलर चेंज हो गया दोस्तों, नहीं तो अगर आपका थीम रहेगा ब्लैक थीम रहेगा तो उसमें ये प्लेहेड जो है ये जो डार्क लाइन आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये डार्क थीम में सफ़ेद हो जाता है, ये वाइट थीम में इसलिए ये ब्लैक हो गया है दोस्तों। इस प्लेहेड को आप जिधर भी लेके जाएंगे वो उधर प्लेहेड माउस पॉइंटर के हिसाब से आ जाता है जहाँ क्लिक करेंगे। इसके ऊपर देखिए ये प्लेहेड जहाँ ख़त्म होता है ऊपर की तरफ, यहाँ पर देखिए ये जो रूलर है मतलब स्केल का सिंबल बना हुआ है जिसमें bar 3, bar 4, bar 5 है, इस बार के बिल्कुल नीचे दोस्तों, इस बार के नीचे की तरफ आ जाने से ये 4 एरो में कन्वर्ट होता रहा है दोस्तों। देखिए ये जो माउस कर्सर है ये 4 एरो में कन्वर्ट हो जा रहा है, आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो माउस कर्सर जहाँ ख़त्म होता है मतलब ये जो लाइन जहाँ पर खींचा हुआ है स्केल का लाइन, यहाँ पर आने से आपका जो माउस का जो पॉइंटर है वो चेंज हो जाता है दोस्तों। देखिए ये 4 एरो में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए ये सिर्फ जो जहाँ पर प्लेहेड है वहीं पर चेंज हो रहा है, दूसरे जगह पर अगर आप करेंगे तो ये प्लेहेड 4 एरो में कन्वर्ट नहीं होगा, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। लेकिन आप जहाँ तहाँ करेंगे तो नहीं होगा, फिर आप मुझे कमेंट में आके कुछ कह देंगे कि नहीं हो रहा है। ये जो प्लेहेड है प्लेहेड के ऊपर ही होगा दोस्तों, प्लेहेड जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पर, दूसरे जगह पर करेंगे तो देखिए ये हाथ का सिंबल में चेंज हो जा रहा है लेकिन 4 एरो में कन्वर्ट नहीं हो रहा है दोस्तों। ये देखिए 4 एरो में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पर आएंगे 4 एरो में कन्वर्ट नहीं हो रहा है दोस्तों, लेकिन जहाँ माउस जो प्लेहेड है उस प्लेहेड को प्लेहेड के ऊपर लेके जाएंगे तो ये देखिए 4 एरो में कन्वर्ट हो रहा है। अब जब ये 4 एरो में कन्वर्ट हो जाएगा तब अगर माउस को अगर आप ड्रैग क्लिक करेंगे और ऊपर की और नीचे की तरफ घुमाएंगे तो दोस्तों ये देखिए ये जूम इन जूम आउट होता है। इसका फैसिलिटी क्या है, इसका मदद लेके हम कैसे वर्कफ्लो को फास्ट बना सकते हैं वो आप देख सकते हैं। देखिए मान लीजिए मैं अभी 1 नंबर बार में हूँ, मैं
माउस जो प्लेहेड है, वो उस प्लेहेड को मैं एक नंबर बार में लेके आ गया हूँ। ये देखिए, ये डब्लू दबा के पहले आ गया हूँ। अब देखिए, अब यहाँ से मैं इसको जूम, इसको माउस पॉइंटर को लेके चला गया उधर, वो फोर एरो में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे यहाँ से जूम इन करते हुए मुझे 7 नंबर बार तक जाना है। तब क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे आप यहाँ से इसको माउस पॉइंटर को ड्रैग करेंगे तो देखिए ये माउस पॉइंटर भी ड्रैग भी हो रहा है और जहाँ माउस पॉइंटर रहेगा उसी जगह में ये जूम इन और जूम आउट भी कर रहा है दोस्तों। ये देखिए, मैं 4 नंबर बार में आके कर रहा हूँ तो देखिए माउस पॉइंटर जो हिल भी रहा है, माउस पॉइंटर मूव भी हो रहा है, जो प्लेहेड है वो मूव हो रहा है और इसको जूम इन जूम आउट एक साथ हम कर सकते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, अगर आपका जो वर्क फ्लो है, मतलब टाइमलाइन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, आप एक नंबर बार से 25 नंबर, 30 नंबर या फिर 70 नंबर बार में जाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से आप कर सकते हैं। प्लेहेड को, प्लेहेड के ऊपर जाएंगे, फोर एरो में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको ड्रैग करके हम लेके जा सकते हैं। मान लीजिए ये आ गया है, अब यहाँ पर जूम करना है, नीचे की तरफ आएंगे तो ड्रैग करके तो जूम इन होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो जूम आउट होगा दोस्तों। ये देखिए, मैं फिर से आ गया इधर, इधर जूम इन किया, जूम आउट किया, फिर इधर आ गया दोस्तों, इधर जूम इन किया, जूम आउट किया। तो ये फीचर्स मुझे सबसे बेहतरीन फीचर्स लगा है ट्रैक्शन वेब फॉर्म 12 में। बहुत ही एडवांस किस्म का फीचर्स है, शायद ही किसी डॉ में ये फीचर्स दिया हुआ है दोस्तों। वहाँ पर जूम इन जूम आउट का कुछ ना कुछ तो फीचर्स होगा ही, लेकिन इतना इजी और इतना अच्छा फीचर्स सिर्फ आपको ट्रैक्शन वेब फॉर्म 12 में मिलेगा, इसीलिए इसको इतना एडवांस्ड डॉ माना जाता है और ये इतना एडवांस डॉ आपको फ्री में मिल रहा है दोस्तों। तो गया दोस्तों, ये एक पॉइंट गया। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ दाएं तरफ देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये दाएं तरफ देखिए, यहाँ पर ये वाला एरिया में, अब देखिए यहाँ पर एक प्लस का सिंबल बना हुआ है, इधर जेड है और इधर माइनस सिंबल है। हॉरिजॉन्टल जो है लाइन, उसमें भी प्लस सिंबल है, जेड है और माइनस का एक सिंबल है और इधर एफ है। इसका काम क्या है ये आप एक बार देख लीजिए। देखिए, अगर मैं हॉरिजॉन्टली जूम इन और जूम आउट करना चाहूँगा तो ये हॉरिजॉन्टल नीचे वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर प्लस बटन में क्लिक करेंगे तो ये देखिए जूम इन हो रहा है, इधर जूम आउट हो रहा है दोस्तों। माउस पॉइंटर को, प्लेहेड को इधर रखूँगा, अब जूम करूँगा, प्लेहेड के हिसाब से ये जूम इन करेगा और प्लेहेड के हिसाब से ये जूम आउट भी करेगा। वर्टिकली अगर आप करना चाहते हैं तो ये प्लस बटन में आएंगे, क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये वर्टिकली जूम इन हो रहा है और ये वर्टिकली जूम आउट हो रहा है। और ये जेड में क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये फिट बैठ जाता है, मतलब जो डिफ़ॉल्ट ट्रैक हाइट है उस ट्रैक हाइट में ये फिट बैठ जाता है जेड में क्लिक करने से। अगर हॉरिजॉन्टली जेड में क्लिक करेंगे दोस्तों, ये देखिए तो हॉरिजॉन्टली ये फिट बैठ जाता है, मतलब स्क्रीन के हिसाब से ये फिट हो जाता है। अगर मान लीजिए मैं इसको बड़ा कर दिया, इसको चलिए इसको ड्रैग करके बड़ा कर दिया और इसको भी मैं ज़्यादा बड़ा कर दिया, अब मैं पूरा स्क्रीन को, पूरा जो स्क्रीन है, स्क्रीन को मैं फिट में लाना चाहता हूँ, एक साथ फिट बैठाना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये एफ जो है नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं इधर जूम करके दिखाता हूँ, ये जो एफ है दोस्तों, इस एफ में क्लिक कर देंगे तो ये फिट बैठ जाएगा स्क्रीन के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए ये पूरा स्क्रीन श्रिंक होके फिट हो गया है स्क्रीन के हिसाब से। तो ये था दोस्तों जूम इन और जूम आउट का एडवांस्ड फीचर। ये फीचर्स आप लोग एकदम मेमोराइज कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कैसे जूम इन जूम आउट होता है। इतना प्रैक्टिस कीजिए कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा थिंकिंग करने का ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा सोचने का ज़रूरत ना पड़े, ताकि आप अपना म्यूज़िक में ज़्यादा फोकस्ड कर सके, आप अपना म्यूज़िक में ज़्यादा कॉन्सनट्रेट कर सके दोस्तों। तो इसीलिए ये सब फीचर्स आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। म्यूज़िक क्रिएटिव काम है दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर का सेटिंग्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो म्यूज़िक के बारे में कब सोचेंगे। तो म्यूज़िक के ऊपर ज़्यादा फोकस रखने से आपका काम का जो तरीका है, वो आपका काम का जो क्वालिटी है वो निखर के आता है, उभर के आता है दोस्तों। तो इसीलिए ये छोटा मोटा जो चेंजेस है, छोटा मोटा जो सेटिंग्स है दोस्तों, छोटा मोटा जो फैसिलिटी है, ये आपको सीख लेना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है और दोस्त लोगों में ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना अगर ये वीडियो पसंद आया है तो। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह का वेबफॉर्म के ऊपर ट्यूटोरियल मैं आगे में बहुत लाऊंगा दोस्तों, पूरा वेबफॉर्म आप सीख जाएंगे ये ट्यूटोरियल सीरीज़ देखते देखते। और
वेव फॉर्म 12 में आप अच्छे से अच्छा म्यूज़िक को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं, चाहे वो हिप हॉप म्यूज़िक हो, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक हो, या फिर कमर्शियल फिल्मी गीत हो, या फिर फोक सॉन्ग हो, किसी भी सॉन्ग को आप इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही, मुलाकात होगा दूसरे एक वीडियो में, दूसरे एक ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए सब लोग अच्छे से रहिएगा और खुश रहिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।